लेटा रखी थी, जैसे माता को थप थप लगा करके रोली सुनाती है, कथा सुनाती है। एक दिन मैया जसोदा कृष्ण को बड़ी सुंदर सुंदर राम की कथा सुना रही थी। बोले लाला कन्हैया, दशरथ नामक एक राजा था। कृष्ण बोले हूँ। बोले राजा का राज्य में तो सब सुख था, लेकिन एक चीज की कमी थी, कोई घर में कोई संतान नहीं थे। बोले हूँ। बोले इतने में उन्होंने श्री ऋष्य श्रृंगी मुनि को बुला करके उत्कृष्ट यज्ञ करवाए, यज्ञ से उन्होंने खीर बनवाए और तीनों रानी को उन्होंने बटवा खाने के लिए बांट दिए। बोले हूँ। बोले उपयुक्त समय होने पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भगवान स्वयं चतुर्व्यूह रूप में भगवान जगत में प्रकट हुए। बोले श्री सियावर राम चंद्र की, बोले राम लाला की, बोले हूँ। लेकिन जब चारों भाइयों ने धीरे 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 बड़े हुए, उनको गुरुकुल में भेजा और 64 दिन में उन्होंने 64 विद्या को अध्ययन करके वापस आए। बोले हूँ। बोले एक समय श्री विश्वामित्र दशरथ महाराज के घर में आए। बोले दशरथ महाराज, जब हम यज्ञ करते हैं, ये दैत्य लोग राक्षस लोग हमें यज्ञ करने नहीं देते, हम चाहते हैं अपना बेटा राम लक्ष्मण हमें दो और अपना यज्ञ को हम समापन करना चाहते, यज्ञ करना चाहते हैं। बोले हूँ। जब उन्होंने राम लक्ष्मण को लेकर गए और उन्होंने क्या किया, सुबह हो तारका आदि राक्षस को उन्होंने बंद किया, मारीच को उन्होंने कहां दूर में फेंक दिए और उन्होंने एक यज्ञ को उन्होंने वहां पर पूरी की। भगवान ने बोले हूँ। इतने में विश्वामित्र जी ने कहा, देख राम लक्ष्मण, तुमने तो एक यज्ञ को पूरी की, लेकिन और एक यज्ञ मिथिलापुरी में हो रही है, वो यज्ञ भी तुम ही पूरी करना पड़ेगा। बोले हूँ। जब उन्होंने राम लक्ष्मण को लेकर के गए, गौतम की अभिशाप से अहल्या पत्थर बनी हुई थी। इतने बोले राम, बेटा ये गौतम की अभिशाप से ये अहल्या पत्थर बनी हुई, इसलिए तुम थोड़ा चरण स्पर्श करो। इतने में राम तो डर गए। बोले क्यों डर गए? बोले एक समय भक्त ने मेरे को खंबे से पत्थर से निकाल दिया था, क्योंकि जिस समय हिरण्यकश्यप को प्रह्लाद से पूछे, बोले प्रह्लाद बताओ तेरे भगवान कहाँ है, प्रह्लाद ने कहा ये बताओ मेरे भगवान कहाँ नहीं तो ये बताओ। बोले ये खंबे में क्या है? बोले मेरे को तो दिख रहा है, ठाकुर जी मुस्कुरा रहे और उन्होंने मुष्टि का घात प्रहार किया तो ये खंबा भी फट गया और साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गई। बोले श्री नरसिंह भगवान की। अभी भगवान सोच रहे हैं मेरा भक्त तो पास हो गया, क्योंकि मेरे को पत्थर से निकाल दिया, लेकिन अभी पत्थर से मेरे को भक्त तो निकाल दिया, अभी पत्थर से मेरे को भक्त निकालना पड़ेगा हैं? अगर मैंने चरण स्पर्श किया, अगर पत्थर से अहल्या नहीं निकला, फिर तो मैं हार जाऊंगा। इतने में भगवान राम पे डर गए। लेकिन इतने में भगवान राम जब पत्थर को चरण स्पर्श किया, माँ अहल्या साक्षात रूप में प्रकट हुई। बोले श्री भगवान राम चंद्र की। प्रकट करते हुए गए जनकपुरी में। जनकपुरी में जब पहुंचे, पहले जनक महाराज बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, साधारण व्यक्ति नहीं थे हैं, ये ब्रह्मज्ञानी थे जनक महाराज जी। लेकिन भगवान राम इतने सुंदर उन्होंने थे, जब भगवान राम को देखा है ना, गोस्वामी जी कहते हैं, बोले इन्हें पिलो कत अति हर गोस्वामी कहते हैं, जब राम रूप को जनक महाराज देखते ही, पहले तो भगवान को ब्रह्मा निराकार मानते थे, लेकिन इनको दर्शन करते ही इतने प्रसन्न, इतने खुश हुए, मन में जो ब्रह्म सुख था ना वो खत्म हो गया।
और प्रभु राम में रम गए, समझ गए भैया सीता का लगता है यही वर होने वाले। बोले क्यों? बोले सीता को उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, ये धनुष को उठा करके जो उसमें प्रत्यंजा चढ़ाएगा उसको साथ में माता जानकी शादी हुई। लेकिन वो इतना बड़ा धनुष था जिसको 400 व्यक्ति उठाकर ले जाते थे। कितने लोग? कितने? 400 लोग, इतने बड़ी। लेकिन मैया सीता क्या करती, दो कथा आती है, जब वो घर में लिपा पोता लगाती थी एक हाथ से धनुष को उठा लेती थी और उसको नीचे लिपा पोता लगा देती थी। और एक समय मैया सीता गेंद खेलते खेलते वो गेंद कहीं धनुष का नीचे फंस गया, मैया सीता गई और एक हाथ से उठाई, दूसरे हाथ से निकाल ली गेंद। जनक महाराज देखे बाबारी जिसको 400 व्यक्ति उठाकर लेते हैं, मेरी बेटी एक हाथ से उठा लिया, भैया लगता है जो मेरी बेटी है ना ये कोई साधारण नहीं। प्रभु जी बैठ जाओ, अंदर में जाओ, बैठ जाओ, अंदर में बैठ जाओ, घर में जाओ, घर में जाकर बैठ जाओ। इसलिए उन्होंने किया कि बोले मेरी बेटी इतने बलवान, इतने बलवान मेरी बेटी, भैया लगता है मेरी बेटी कोई साधारण नहीं, लगता है मेरी बेटी साक्षात लक्ष्मी, मेरी बेटी लक्ष्मी। अभी लक्ष्मी को साथ में कौन शादी हो गया, बोलो बोलो, लक्ष्मी के साथ में कौन शादी, नारायण ही कर सकता है। इसलिए वो समझ गई ये धनुष को कोई साधारण व्यक्ति उठा नहीं सकते, नारायण के सिवाय कोई भी धनुष उठा नहीं सकता। अब जो व्यक्ति उठाएगा मैं समझ जाऊंगा वही नारायण, अरे लक्ष्मी के साथ में शादी हुई। लेकिन जब उन्होंने प्रभु राम को देख लिया ना, देखते ही मन में जो ब्रह्म ब्रह्म करता था वो ब्रह्म ध्यान खत्म हो गया, एकदम प्रभु राम रूप में ही वो रम गए। बोले भैया लगता है ये साधारण कोई नहीं, क्योंकि उनको देखते ही मन से ब्रह्म से खत्म हो गई और इन्हीं में ही मेरा मन रम गया, मतलब ये ब्रह्म नहीं, ये कौन, ये परम ब्रह्म, ये परमात्मा परम ब्रह्म। फिर उन्होंने फिर मन में शंका हुई, छोटा सा बालक है, बालक तो छोटा सा है, अभी इन्होंने फिर पूछे विश्वामित्र जी ये कौन सा कुल में जन्म हुई, पहले क्या होता था अपना जात में तो शादी देते ना, राजा 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 घर में तो बेटी तभी जहाँ कहा तो देखी दे, ये क्षत्रिय है। उन्होंने पूछा ये कौन सा जाति के विश्वामित्र से, बोले ये क्षत्रिय जाति की, बोले काम बन सकता है, काम बन सकती है, क्योंकि आप देखना जिसकी बेटी कोई शादी के लायक किसकी बेटी हो जाए ना, आप देखना हर समय वो व्यक्ति का मन कहाँ रहता है, अगर किसी सुंदर लड़का को देखे कहते भैया इसको साथ में मेरी बेटी का तो शादी नहीं हो जाएगी, ये तो उपयुक्त तो वर्ग नहीं होगा मेरी बेटी के लिए, आप देखना उसका मन केवल यही चीज ढूंढता रहता है कहाँ मेरे बेटी के लिए उपयुक्त कहीं पति मिल जाए। जब उन्होंने देखा क्षत्रिय है और ये कौन सी जाति के, वो भी क्षत्रिय है, ये भी क्षत्रिय, मतलब भैया बात बन सकती है, बन सकती है। फिर उनको लेकर के कहाँ स्थान दिया, बोले सीता जी की भवन नहीं, बोले क्यों, बोले सीता जी कौन है, बोले ये लक्ष्मी स्वरूपिणी, ये भक्ति स्वरूपिणी। अभी भगवान कहाँ निवास करते हैं, भक्ति को हृदय में तो भगवान का निवास है ना, इसलिए उन्होंने सीता जी की जो सुंदर वाटिका थी, सीता जी का जो भवन थी, वहीं पर उन्होंने श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को वहीं पर स्थान दिया, स्थान दिया। तो अभी गुरु अभी शिष्य का क्या कर्तव्य है, इसलिए अभी उन्होंने गुरु जी, अभी विश्वामित्र जी, जब विश्वामित्र जी गुरु जी है, अभी नियम क्या है, बोले नियम ये होता है शिष्य को कब शयन करनी चाहिए, शिष्य को कब उठनी चाहिए। अभी विश्वामित्र जी शयन कर रहे हैं, इसलिए राम लक्ष्मण ने क्या किया, उन्होंने विश्वामित्र जी की चरण की उन्होंने सेवा की, चरण सेवा करके उन्होंने गुरु जी को सुलाया। जब गुरु जी को सुलाया, बोले शिष्य को कब उठनी चाहिए, बोले गुरु जी की उठने से पहले उठ जानी चाहिए, गुरु जी को सुला करके सो और गुरु जी को उठने से पहले उठ जाओ। इसलिए नियम है गुरु जी उठने से पहले लोटे में पानी, उनकी दांतन, ये सब गुरु जी के लिए रखनी चाहिए, ऐसे नहीं एकदम नाक डा करके भैंस जैसे सो रहे हो, गुरु जी उठ गए और चेला अभी तक नींद से नहीं उठा, अभी चेला सो रहे, कहते ये धर्म नहीं है। इसलिए देखो राम लक्ष्मण कौन भगवान है, हैं ये भगवान है, लेकिन उन्होंने गुरु जी उठने से पहले क्या हुआ, कहते श्री राम लक्ष्मण उठ गए और गुरु जी के लिए सारे सेवा की वस्तु रेडी कर दी और गुरु जी नहा धोए उपयुक्त समय देकर के बोले राम लक्ष्मण अभी मैं ठाकुर को पूजा करना चाहता हूँ, जाओ
बगीचा से सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करके ले आए। अभी राम लक्ष्मण अभी पुष्प चयन करने के लिए गए, जब वाटिका में प्रवेश कर रहे थे ना, वहां पर माली था। जब माली वहां पर था, बोले कहाँ जाना चाह रहे हो? बोले पुष्प चयन करने के लिए जा रहे हो। बोले नहीं भैया, आपको अंदर में घुसने नहीं देंगे। बोले क्यों? कहते भगवान का जो मुख है ना वो कमल जैसे, इसलिए बोले नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिनी। गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, भगवान के मुख कैसे था? बोले कमल जैसे था। बोले भैया अंदर में घुसने नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले राम का जो मुख ये कमल जैसे, कमल जैसे हो तो सारे कमल के ऊपर भौंरा मंडराने लग जाते हैं। अगर ये बगीचा में घुसेगा ना, सारे भौंरा आकर के इनके पास में मंडराने लग जाएंगे, इसलिए अंदर में जाने नहीं देंगे। लक्ष्मण ने कहा कोई चिंता मत करो, हम स्प्रे भी लेकर के आए हैं, कोई भौंरा को हम मरने नहीं देंगे। इतने में माली ने बताया, देखो अगर ये बगीचा में घुसना चाहते हो, यहाँ पर जो ठाकुरानी है ना, हाँ अधीश्वरी श्री सीता देवी, पहले सीता माँ की एक बार जयकार दो, फिर अंदर में प्रवेश करो। लक्ष्मण ने बोले भैया हम सीता की क्यों जयकार देंगे? हम जयकार देंगे तो प्रभु राम की जयकार देंगे। किसको जयकार देंगे? राम को जयकार देंगे। इतने में लक्ष्मण बोले भैया, माली बोले भैया राम की जयकार यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ पर सीता माँ की राज्य है, यहाँ पर सीता माँ की जयकार चलेगी। इतने में भगवान राम बोले लक्ष्मण अरे सीता का जयकार दे दो ना, पहले तो घुसने नहीं दे रहे थे, बड़े कष्ट से घुसने दे रहे हैं, अरे सीता की जयकार दे तो हानि क्या हो जाता है, एक बार सीता की जयकार दे दो। बोले श्री सीता मैया की जय। जयकार में आनंद नहीं है, कोई जय है बोल रहे, जोर से बोलो बोले सीता मैया की जय। इतने में जब उन्होंने प्रवेश किया ना, है जब वाटिका में प्रवेश किया तो वो पुष्प चयन नहीं कर रहे थे, पुष्प स्वयं इनको हाथ में समर्पित हो रहे थे। बोले पुष्प क्यों समर्पित हो रहे थे? इसका कारण बताए, मैया सीता की प्रकट कहाँ से हुई है? बोलो कहाँ से हुई? धरती से, धर्षित हुई, इसलिए धरती क्या हो गई? भगवान राम की सांस, सांस हो गई कि नहीं? अगर माँ हो गई, यहाँ पर जो वृक्ष हुई है वो वृक्ष कौन हो गई? बोले बेटे। अब भगवान राम सीता का क्या लगते हैं? पति। तब वृक्ष क्या हो गए? वृक्ष हो गए, उनका बेटे मन की साला हो गई। अगर कोई दामाद अगर घर में आता है, साला क्या करता है? दामाद को कोई काम करने देगा? हैं, दामाद अपनी दामाद की सेवा करते हैं, इसलिए ये जितने वृक्ष थे ना सब दामाद लगते हैं। इसलिए बोले भगवान कृपा करके वाटिका में प्रवेश किया, पुष्प वाटिका में, इसलिए वहां पर जितने फूल है ना प्रभु के हाथ में सबके सब समर्पित फूल हो रहे थे। लेकिन जब प्रभु समर्पित हो रहे थे, कौन सा फूल? प्रभु चयन का समर्पित हो रहे थे। बोले खिले हुए फूल समर्पित हो रहे थे, जो अधखिले कलियां है ना वो पीछे पीछे रो रहे थे। इतने में लक्ष्मण बोले भैया रो रहे हैं क्यों? बोले रोएंगे नहीं क्या, हंसेंगे? अगर हम खिले हुए होते भगवान राम आज हमें भी स्वीकार करते। बोले चिंता नहीं, मैं हूं ना। इतने में लक्ष्मण ने क्या किया, जो अधखिले जो कलियां थी उनको तोड़ना शुरू किया और बड़े सुंदर पुष्प की गुच्छा बनाए और भगवान के सर में श्रृंगार कर दिया। कहते भैया खिले हुए फूल कहाँ पर है? बोले हाथों में। बोले अधखिले कलियां कहाँ पर? भगवान की सर पर। शिवा शिक्षा क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं भले ही हम अधखिले क्यों नहीं हो, मतलब हमारे अंदर में कोई भी गुण क्यों नहीं हो, अगर गुरु जी की शरण में चले जाएंगे ना, गुरु जी हमें क्या करेंगे? ठाकुर का सेवा करेंगे। लेकिन भले ही तुम खिले हुए क्यों नहीं हो, खिले मतलब परिपूर्ण तुम हो, लेकिन अगर गुरु जी की चरण में समर्पित नहीं होगे ना, भगवान की सेवा में तुम नहीं लग सकते हो। इसलिए बोले बिनु गुरु भवन तरह न कोई, जो गिरिची शंकर सम हुई। बोले ब्रह्मा शंकर जैसे बन जाओ, अगर किसी सदगुरु की चरण आश्रय नहीं कर तो भैया ठाकुर की सेवा में तुम लग नहीं सकते हो। इतने में आई थी गौरी पूजा करने के लिए एक सखी थी, बड़ी चतुर सखी थी। वो चतुर सखी ने पहले आई बगीचा में, इतने में राम लक्ष्मण को देख दिया, देख करके जीवन में कभी इतना रूप सुंदर रूप नहीं देखा। राम लक्ष्मण को देख करके एक गौर रंग के और एक श्याम रंग के देख कर तो बाबरी बन गई और भागते भागते गई और सीता और जितने सखियों को बोले देखो देखो दो सुंदर बालक आए हैं, इतने सुंदर है ना,
हम इनको रूप को वर्णना नहीं कर सकते हैं, वर्णना नहीं कर सकते हैं। इतने में मैया सीता ने जब राम को दर्शन किया, राम जब मैया सीता को दर्शन की, दोनों दोनों को देख करके पहचान गए, ये मेरी प्रिया है और ये मेरी प्रियतम है। दोनों दोनों को आंख में दर्शन करके पहचान गए। जब भगवान राम वापस आए ना, भगवान राम लक्ष्मण को कहने बोले, लक्ष्मण रघु कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरो बचर न जाए। हम कभी भी, हम दशरथ महाराज के, हम रघुकुल के, हम कभी भी पराया स्त्रियों को कभी भी हमने देखा नहीं, लेकिन जिंदगी में मैंने आज ये सीता जी को दर्शन किया। पता नहीं जब से दर्शन किया, जैसे एक पत्थर पानी में फेंको, जैसे पानी में लहरी आती है, जब सीता को दर्शन किया मेरे मन में, पता नहीं इस धीर मन में जैसे चंचलता हो गई, लगता है जो सीता है ना, ये जरूर तुम्हारी भाभी बन जाती, ये तुम्हारी भाभी बनने वाली। क्यों? अगर मेरी पत्नी नहीं होती तो कभी भी इसको देख करके मेरा मन में कभी चंचलता नहीं आता, हैं? भाभी बनने वाली है। और दूसरे दिन कहां पर गए, जहां पर धनुष यज्ञ हो रहा था, धनुष यज्ञ में जब वहां पर गए, जितने बड़े बड़े राजा लोग आ रहे थे, कोशिश कर रहे थे धनुष को उठाने के लिए, लेकिन कोई हिला तक भी नहीं पाए। इसलिए वहां पर श्री विश्वामित्र जी सोच रहे हैं और जनक महाराज सोच रहे हैं, जो उठा नहीं सके वही कोशिश कर रहे हैं उठाने के लिए, और जो उठाएगा ना वो चुपचाप बैठा होगा। ये जगत में यही रीति है, जो नहीं कर पाएगा वो तो कोशिश करता है, और जो करेगा ना वो चुपचाप बैठा रहता है। इतने में जब किसी ने उन्हें उठा नहीं पाई, गोस्वामी उदाहरण देते हैं, उदाहरण देते हैं, कहते श्री लक्ष्मण कौन है, बोले डंडे समान। कहते भगवान राम क्या, बोले झंडे समान। बोले पहले डंडा खड़ा होगा तभी तो झंडा खड़ा होगा, बोले पहले लक्ष्मण खड़ा हो तभी तो राम खड़े होंगे ना, हाँ तभी तो खड़ा होगा। किसी तरह से पहले डंडे को खड़ा करो, लेकिन खड़ा कैसे करेंगे। इतने में श्री महाराज थोड़ी सी खड़े होकर बोल दिए, लगता है ये पृथ्वी वीर सुन्न हो गया, जिस धनुष को मेरी बेटी जानकी एक हाथ से उठा लेती है, और यहाँ पर इतने सारे राजा बैठे हुए। कहते रावण तक भी वहां पर आया था, लेकिन किसी तरह से हाथ को तो फंसाया, लेकिन अपना हाथ को निकाल नहीं सका। इतने बड़े धनुष, बोले इतने बड़े बड़े राजन बैठे हुए, इसको कोई हिला भी नहीं सके। लगता है ये जो पृथ्वी है ना, ये वीर सुन्न हो गया पृथ्वी। इतना बोलते ही लक्ष्मण वहां पर बैठे हुए, वहां पर उदाहरण दिया है, लक्ष्मण कौन है, ये धरणीधर अनंत देव है, इसक्याद अनंतनाथ। एक सर्प होता है मणिधर सर्प, मणि में ही उसका प्राण रहता है, अगर वो मणि को कोई छेड़ दिया ना वो खा जाएगा। इसलिए मणि सदृश कौन, बोले प्रभु राम, बोले नाग सदृश श्री लक्ष्मण। अगर राम को कोई कोई थोड़ा कुछ बोल दिया ना, लक्ष्मण कभी सह नहीं सकते हैं। इतने में लक्ष्मण को उनको इतने क्रोध आया, उसको वहीं पर बैठा, बचा वहीं पर बैठो, इधर मत आओ। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को इतना क्रोध लक्ष्मण का आ गया, बोले क्या पृथ्वी वीर सुन्न हो गया, आपको पता नहीं यहाँ पर कौन बैठे हैं, प्रभु राम बैठे हुए वहां पर। ये साधारण ये धनुष की बात क्या कहते हो, ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को मैंने तो गेंद की भांति उठा करके करोड़ों क्रोश तक मैं जा सकता हूँ, उसको चकनाचूर कर सकता हूँ। क्यों? ये सख्या तो अनंत है, जिनके सर के ऊपर में सरस जैसे ये ब्रह्मांड को धारण करके रखे। इतने में भगवान राम कह रहे, बोले लक्ष्मण चुप बैठ जा, मेरे को पता तुम कौन हो, सख्यात अनंत देव, मेरे को पता है तुम ये काम कर सकते हो, लेकिन अगर तू अगर ये धनुष को उठा लो तो मेरी क्या होगा बताओ, जो उठाएगा उसके साथ में तो जाने की शांति होगी, अगर तू उठा लोगे तो मेरी क्या होगा, चुपचाप बैठ जा, यहाँ गुरु जी बैठे हुए, पहले गुरु जी को आदेश दे लेने दे। बस इतने में श्री विश्वामित्र जी बोले बेटा राम जाओ बेटा, जनक महाराज का हृदय में जो ताप उसको दूर करो। इतने में गुरु जी के आदेश को पा करके भगवान यहाँ पर शिक्षा देते हैं, भैया तुम्हारे अंदर में जितने ताकत क्यों नहीं हो, जितने तुम्हें ज्ञानी क्यों नहीं हो, जब तक गुरु जी के आदेश नहीं हो ना, जितने ताकत होने पर भी ताकत वहां नहीं दिखानी चाहिए। गुरु जी की जब आदेश दे तब कोई काम हमें करनी चाहिए। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, माता जानकी सामने खड़ी हुई बरमला लेकर के, जब भगवान राम जा रहे थे ना, जानी की मैया तो प्राण त्याग देने जा रही थी। बोले क्यों, बोले इतने बड़े धनुष क्या प्रभु उठा पाएंगे, जिसको 400 व्यक्ति उठाते हैं। बोले जानकी की मैया की मन में शंका क्यों होगी, बोले कारण है
जब प्रभु राम सवेरे पुष्प चयन करने गए थे वो सवेरे का समय था, मीठी मीठी हवा बह रही थी, लेकिन प्रभु इतने कोमल शरीर उसी समय में भी शरीर का प्रभु की शरीर से पसीना टपक रहा था। इतने कोमल ठाकुर जी बोले इतने बड़े धनुष को क्या उठा पाएंगे, अगर नहीं उठा पाएंगे तो अरे मेरी क्या होएगा है, इसलिए मैया जाने की तो प्राण प्यारे देने जा रही थी। और जानकी की भावना को राम समझ गए, बोले का बरसा जब कृषि सुधार धनुष को मैं क्यों उठाना चाहता हूँ जानकी से शादी करने के लिए, लेकिन धनुष उठाने से पहले अगर जानकी मर गई फिर तो धनुष उठाने का क्या मतलब रह जाएगा। इसलिए उन्होंने उसकी भावना को समझ गए ना, मैया जानक भगवान राम जल्दी जल्दी गए आगे, जा करके पता नहीं कब धनुष को पकड़े, कब उन्होंने उठाया, कब उन्होंने प्रतंचा चढ़ाया। जब प्रतंचा चढ़ाया धनुष एकदम दो टुकड़े हो गया धनुष, और इतनी जोर से आवाज हुई विश्व ब्रह्मांड कांप उठा। वहां पर से परशुराम भी कहां पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे थे वहां से भी आ गए, मेरे प्रभु का धनुष किसी ने तोड़ा है। इतने में जब धनुष तोड़ दिया इतने में सुनैना को आदेश जनक महाराज दे, बोले जनक महाराज सुनैना जल्दी जल्दी सीता को लेकर के आओ, अभी मैया सीता आ रही। जब आई इतने में माला पहनाना चाह रही किसको, प्रभु राम को, लेकिन मैया सीता कितने बड़ी राम की कद्दत है, और फिर प्रभु राम मुकुट पहने हुए थोड़ी सी ऊंचा है, मैया सीता जब माला पहनाने के लिए गई ना हाथ ही नहीं पहुंच रहा था है, जब हाथ नहीं पहुंच रहा था इतने में सीता की सहेलियां थी, अभी सीता की पति राम जो सालियां होती है ना देखना दामाद से हंसी दिलाई करते हैं, करते कि नहीं हंसी दिलाई, हंसी दिलाई करते हैं। एक साली ने प्रभु राम की कान में जाकर बोल दिया, बोले चुप्पी से बोले थोड़ा सर झुका दो, बोले सर थोड़ा झुका दो। राम बोले क्या तुमको पता है मैं कौन है, दशरथ महाराज का बेटा। दशरथ मतलब क्या, जिनकी दस दिशाओं में रथ चलता था है, इतने प्रभावित है, नियम है 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर इंद्र आसन पर कोई बैठेगा, लेकिन जब ये स्वर्ग जाते थे इंद्र अपना आधा आसन को इनको दे देता था, इतने प्रभावित है दशरथ महाराज। बोले इतने बड़े राजा का बेटा शादी भी नहीं हुआ, बोले सर झुका दे, हम सर कभी किसको चरण में झुका ही नहीं, हम तो सर ऐसे रखे, अभी सारा दुनिया देख रहे, मैया जानक माला लेकर खड़ी हुई सारा दुनिया देख रहे थे। इतने में राम लक्ष्मण की इशारा किया, बोले लक्ष्मण बेटा डूब चुका है, बोले क्या करूं, जब ये धरे धरे पृथ्वी का दो टुकड़े है नहीं, एक टुकड़े को उठाओ एक को नीचे कर दो, उठाऊंगा तो दोनों उठ जाएंगे, नीचा करूंगा तो दोनों नीचे हो जाएंगे। बोले लक्ष्मण तू तो कुछ कर बेटा, तू कुछ कर, तेरी भाभी देख कैसे खड़ी हुई। अभी लक्ष्मण है, इतने में लक्ष्मण भावना समझ गई, और जो जो उनकी सालिया थी ना लक्ष्मण को कान से चुप्पी से बोल दी, बोले देख लक्ष्मण तू अगर हमारी काम करोगे ना तेरा काम हम भी कर देंगे। लक्ष्मण बोले बताओ क्या काम है, बोले जैसे जानकी जैसे सुंदर है ना, इसकी भी और एक बहनी जिसका नाम उर्मिला वो भी जानकी से कम सुंदर थी, अगर तू हमारी काम कर दे तेरा भी काम कर देंगे तेरा। बोले भैया शादी की बात आ गया फिर तो कुछ करना ही पड़ेगा है, फिर कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मण ने क्या किया, प्रभु राम के चरण में प्रणाम किया, राम के चरण में उन्होंने प्रणाम किया। जब प्रणाम किया प्रभु राम को उठाना पड़ेगा, प्रभु राम जब उठाएगा माला डाला, जब उन्होंने क्या किया प्रभु राम के गले में माला डाल दिए, माला डाल दिए, आनंद की उत्सव लहर लग गई है। फिर तो बड़े धूमधाम से राम लक्ष्मण सीता है, कहते फिर जब बारात आई ना वो सोच रहे थे शायद ये दो भाई, लेकिन जब बारात आई ना दिखाई चार भाई, भाई इनको पास में चार लड़कियां थी, कौन सीता मांडवी सुतकृति और श्री उर्मिला, ये चार बहनी सख्या थे लक्ष्मी स्वरूपिणी, लक्ष्मी स्वरूपिणी। खैर ये चार भाई और चार बहन, बोले भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, शुभम शीघ्रम शुभ कार्य जल्दी कर देनी चाहिए। अरे चार भाइयों का शादी हो गई, जब शादी हो गई पहले क्या नियम था, शादी से पहले कोई नहीं मिलते थे, शादी से पहले कोई मिलते थे नहीं मिलते थे, शादी को बाद में चार दिन बाद में कहीं जाकर मिलते थे। एक दिन उनकी जितने सखियां थी ना उन लोगों ने किया कि ये चार ही बहनों को दुल्हनी बना दी, दुल्हनी बना करके चार भाइयों के पास में ले आए, चार भाइयों के पास में लाकर बोले देखो तुम चार भाई, ये तुम्हारी चार ही तुम्हारी पत्नी, अभी कौन किसका पत्नी छान लो, अभी तो चार भैया पसना पसना निकल गया। बोले क्यों, बोले अभी तक तो हमने किसी का पता ही नहीं,
कौन मांडवी, कौन उर्मिला, कौन सुत कीर्ति, उन्हें पहचान के कैसे। लेकिन सालिया हसी दिल की करती, बोले जल्दी बोलो तुम्हारी कौन पत्नी। बोले सावधान, बड़े भाई का जो राम को बोले देख राम, छोटे भाई का जो पत्नी है ना वो बेटी के बराबर है। अगर तू अपना पत्नी को पत्नी नहीं बोल करके अगर छोटे भाई का पत्नी को पत्नी बोल दिया, मतलब क्या बेटी को पत्नी बनाना, समझो अगर कितना पाप। तीनों भाई बोले सावधान, बड़े भाई का जो पत्नी है ना माँ की बराबर है, हैं? अगर तू अपना पत्नी को नहीं बोल कर बड़े भाई को पत्नी बोला, मतलब अपना मैया को पत्नी बनाना, कितना पाप तुमको। बताओ कौन किसका पत्नी, छाटो। बाबर डर गए सब के सब। इतने में राम बहुत सोच सोच करके बोले, बोले ये मेरी पत्नी, ये मेरी सीता है, लेकिन सही बोल दी। भारत जी बोल बता तेरे पत्नी कौन है। उन्होंने सोच सोच कर ठीक उन्होंने मांडवी को बोल, ये मेरी पत्नी। इतने में शत्रुघ्न को बोले तुम्हारी पत्नी छाट, बोले बोले ये मेरी पत्नी है। और लक्ष्मण को बोले बता तेरी पत्नी, बोले ये। एकदम सही सही चारों ने छाट लिया, ये तो आश्चर्य में बढ़ गए। राम को बोले राम तुम तो अभी तक पत्नी दिखाने कैसे छांट लिया तुम्हारी सीता। बोले सीता को मैंने दो बार देखा, एक तो अशोक वाटिका में देखा, एक तो मैंने देखा पुष्प वाटिका में, और जब सीता गला में माला पहनाई तब तो मैंने दो बार देख लिया था, इसलिए मैंने पता चल गया मेरी सीता कौन है, छांट लिया। भारत जी को बोले तेरे को कैसे पता चला ये पत्नी। बोले मैं जब कोई काम करता हूँ ना प्रभु राम की चरणों को चिंतन करता हूँ, इसलिए हर काम मेरी बढ़िया सक्सेसफुल हो जाता है, इसलिए छांट लिया। और शत्रुघ्न को बोले तेरे को कैसे पता चला तुम्हारी पत्नी कौन। बोले चारों में मैं सबसे छोटा, मैंने देखा चारों में जो सबसे छोटी होगी वो मेरी पत्नी होगी, और जब से छोटी थी मैंने कही मेरी पत्नी। और लक्ष्मण को बोले तेरे को कैसे पता चला। भैया बोले तीनों ने जब तीनों को छांट दिया तो आगे मेरी है, हैं? वो मेरी है, ऐसी बड़े धूमधाम से शादी हुई और वहां बड़े बड़े सुंदर लीला हुई। प्रभु जी भजन गाएंगे कैसे सीता माता कैसे प्रभु को माला नहीं पहना पा रही है, और जनक महाराज क्या कहते हैं प्रभु राम को।
भागवत कथा में है गिरिराज पूजा बड़ी महत्व है ना। किसने लगा दिया तो किसी जीवन में कभी भी घर में अन्न वस्त्र की कभी कमी नहीं पड़ेगा, घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी, ये गिरिराज गोवर्धन का वरदान है। आप लोग गिरिराज गए हो? कौन कौन गिरिराज गए हाथ उठाओ तो। अब सब लोग गिरिराज गए। अब गिरिराज में देखना पत्थर को पर शिला को पर शिला रखा हुआ, मतलब क्या है, जिसको जितने मंजिल मकान चाहिए ना वो शिला को ऊपर में जितना शिला रख दोगे गिरिराज गोवर्धन उतना मंजिल मकान देंगे। आप लोग वहाँ देखे होंगे पेट में सब धागा बंधा हुआ, देखो धागा क्यों बांध रहे थे, जिनकी बेटी की शादी नहीं हो रही, बेटा का शादी नहीं हो रही, घर में किसी चीज की कमी है, हैं बेटा का नौकरी बेटी की नौकरी नहीं लग रही है, इसलिए वो धागा में धागा बांध देने पर ठाकुर जी सब इच्छा पूरी कर देते हैं। आप वहाँ जा करके देखना कोई दूध की धार से परिक्रमा लगाते हुए देखोगे, कोई देखे कि नहीं दूध की धार से परिक्रमा, कोई एक एक जगह पर 108 बार परिक्रमा लगाते हुए गिरिराज परिक्रमा करते हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं जो व्यक्ति गिरिराज की परिक्रमा करते हैं मैं उसको पीछे 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 में घूमता रहता, इतना कष्ट करके मेरी परिक्रमा लगा रहा है, ये मेरे से क्या मांगेगा, जो मांगता है ना ये गिरिराज परिक्रमा की इतने महत्व है, गिरिराज से जो मांगो गिरिराज आपको वही दे देते, इसलिए गिरिराज की बड़ी महिमा। इसलिए कल श्री अन्नकूट गिरिराज की अन्नकूट है, इसलिए आप लोग अपना घर से ना कुछ लेकर के आना, जैसे कोई एक हलवा भी थोड़ी सी हो, नहीं तो कोई थोड़ी सी मीठा हो, नहीं तो कोई फल हो, जिसका जो समर्थ है, और जो जो बढ़िया चीज बनाते हो, जो बढ़िया चीज हमारे जो भक्त लोग हैं हम जो बढ़िया चीज बनाते हो बड़ा बना करके थोड़ा बना लाना, अरे गिरिराज की पूजा होगी, उसको बाद में वो प्रसाद फिर आप लोगों को ही वो प्रसाद मिलेगा, ठीक है। कल श्री गिरिराज की पूजा बोलो। और जो परसों है रुक्मिणी की शादी और भगवान की रासलीला है और सुदामा का चरित्र है, हैं और जो कल जो परसों है सवेरे से आप यज्ञ भी होगा, हम देख लेंगे आपको, मैं हम कल बताएंगे क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए अभी से राधा रानी जन्म लेगी, फिर राधा रानी का जन्म सब दर्शन करते हुए सबके सब
प्रसाद लेकर के सड़क पर जाना ठीक है। अभी हमारे प्रभु जी कृष्ण कैसे मिट्टी खाए थे, अरे मिट्टी खा करके उन्होंने ब्रह्मांड रूप दर्शन कराया था। प्रभु जी थोड़ी समय में उसकी कथा सुनाएंगे। अरे आप लोग राधा रानी के जन्मोत्सव दर्शन करें, प्रसाद लेकर जाना। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। सभी एक बार हाथ उठाकर बोलिए, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म परम आराधितम श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त भागवत कथा श्रोत मंडली, माता पिता भाई प्रभु सभी के चरणों में मेरा दीर्घायु के प्रणाम। श्री दशम स्कंद के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार कृष्ण के जन्म के पश्चात कंस ने अनेक अनेक असुरों को भेजा और उस समय पर कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य प्रकाशित किया। किस प्रकार 6 दिन के बालक होते हुए भी उन्होंने इतनी बड़ी पुतना राक्षसी का वध कर दिया। किस प्रकार आगे जाकर त्रिणावर और अगासुर बकासुर सभी राक्षसों का वध किया। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी बात चाहते हैं कृष्ण का ऐश्वर्य लीला तो काफी वर्णन कर दी, कुछ माधुर्यमयी लीला का वर्णन करने के लिए। तभी उन्होंने ये मृदु भक्षण लीला, कृष्ण ने किस प्रकार माटी खाई वो लीला का वर्णन करना चाह रहे हैं। कृष्ण है कि देखो ये ब्रजरज की कितनी महिमा है, इसलिए एक पद्य है कि रमन रेटी रेती लोट्यो नहीं कियो न जमुना स्नान, रे मन तू की जाने ब्रज के महिमा महान। कि रमन रेती लोटो नहीं, लोग यहाँ से बड़े दूर दूर से आकर ब्रज में एक स्थान है रमन रेती, वहां पर जाके लोट पोट खाते हैं, वहां पे जाके लोट पोट खाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रज रज की ऐसी महिमा है, ब्रज की धूल साधारण धूल नहीं है। इसलिए कहते हैं ना, राधे तेरे चरणों की ब्रज धूल जो मिल जाए। ब्रज धूल, ये ब्रज धूल की इतनी महिमा है कि साक्षात ब्रह्मा जी भी इसकी वांछा करते हैं। ब्रह्मा जी ने, हम आगे श्रवण करेंगे, जब कृष्ण के सखाओं और बछड़ों को चोरी कर लिया, बाद में प्रभु से जब क्षमा याचना करने आए तो उस समय पर यही प्रार्थना कर रहे हैं, तद भूरी भाग्यम इहे जन्म किम पटभ्याम यद गोकुल अपे कथमांगरी रजो अभिषेकम। कब मैं गोकुल के बाहर छोटे जाति के लोग जहाँ रहते हैं वहां पर पत्थर रूप में बार एक मिट्टी रूप में जन्म लेकर मैं यहाँ पर वास कर पाऊंगा। उद्धव जी जब गोब्रज में आए थे तो उन्होंने भी क्या किया, ब्रज गोपियों के चरण रज की प्रार्थना करी, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणु अभिष्णसर, उनके चरण रज की वंदना कर रहे हैं। तो कृष्ण भी मान लो यहाँ ब्रज रज की और महिमा बढ़ाने के लिए क्या किया है, एक दिन मृदु भक्षण किया है। अब यहाँ पर बता रहे हैं, एक दिन कृष्ण ने क्या किया, ब्रह्मांड घाट पे सखाओं के साथ खेल रहे थे। कैसे? मिट्टी से खेल रहे थे, बच्चे जैसे खेलते ना, मिट्टी के अंदर पैर डाल देते हैं, ऊपर से मिट्टी जमा देते हैं, फिर पैर निकाल लेते हैं, तो कैसा घर सा बन जाता है ना। तो ऐसे ही श्रीराम मधुमंगल सभी सखाओं के साथ में कृष्ण खेल रहे हैं। सभी सखाओं ने तो बड़े सुंदर सुंदर घर बना दिए, उन घरों को फूल से मयूर पंख से पत्तों से सजा रखा है, लेकिन कृष्ण का कोई भी घर ही नहीं बन रहा। कृष्ण जैसे ही घर बनाने की कोशिश करते हैं, पैर डालते हैं, ऊपर मिट्टी सजाते हैं, जैसे पैर निकाला घर धस जाता है। कृष्ण अभी घर बनाते बनाते परेशान हो गए, लेकिन एक भी घर नहीं बना, और देख रहे सखाओं ने 7-8 घर बना दिए। कृष्ण ने जाकर अभी सुदाम से कहते कि तुम क्या करो, मेरा घर बनवा दो। सुदाम ने कहा कि मैं नहीं बनवाऊंगा। तो कृष्ण ने क्रोधित होकर सुदाम के भी सारे घर तोड़ दिए। अभी कृष्ण को वहां पर इतना क्रोध आया, क्रोध के कारण उन्होंने क्या किया, मिट्टी खाना चालू कर दिया। मिट्टी खाते खाते क्या किया, सखा मना कर रहे हैं, बोले कृष्ण तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, इतनी मिट्टी क्यों खाते हो। कृष्ण ने नहीं सुनी। जब उन्होंने जाकर बलराम जी से कहा, बलराम जी और सखा अभी दोनों पहुंच गए हैं मैया यशोदा के पास में। जैसे ही बलराम जी ने मैया यशोदा से कहा कि मैया यशोदा देख जरा तेरे लालो क्या कर रहे है, बोले क्या हुआ, माटी खाए रहे है। तो जाकर देखा मैया यशोदा ने हाथ में छड़ी लेकर आई है और कृष्ण पर अभी शासन करेगी। अन्य जगह पर देखोगे भक्तवत्सल भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा था तो कृष्ण स्वयं वहां पर वस्त्र रूप में आए, जल डूबत गजराज पुकारे। गजेंद्र भी जब हाथी जब डूब रहा था
उसने भगवान को एक कमल पुष्प अर्पित किया और भगवान वहां पर रक्षा करने के लिए उपस्थित हो गए। लेकिन ये ब्रज है भैया, ब्रज में हमेशा उल्टी बहे प्रेम की धार, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, भगवान की रक्षा करने के लिए यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आ रही है। अन्य जगहों पर देखोगे कि भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैया यशोदा कृष्ण की रक्षा करने के लिए जब ब्रह्मांड घाट पर आई है, देखा कि कृष्ण ने मिट्टी खा रहे हैं, कृष्ण भी मिट्टी खा रहे हैं, मैया यशोदा को देखते कृष्ण तो भयभीत हो गए। अभी यहाँ पर हमारे टीकाकार बड़ी सुंदर सुंदर बात बताते हैं कि बलदेव जी तो, बलदेव प्रभु और सखा ये तो कृष्ण के पक्ष में है, इन्हें तो कृष्ण का पक्ष लेना चाहिए था, इन्होंने क्यों जाकर शिकायत कर दी मैया से। तब उसका उत्तर देते हुए स्वयं ही चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि जब भी घर से मनोहर लड्डू आता है, कृष्ण सभी के साथ बांट के खाते हैं, कभी किसी घर में माखन चोरी करी वो भी सभी बांट के खाते हैं, कभी पेड़ से फल तोड़ा, कैसे तोड़ते हैं, नीचे बलदेव प्रभु, ऊपर दाम श्रीदाम मधुमंगल, इस तरह से चढ़ के और ऊपर से फल तोड़ते हैं। वो फल सबसे ऊपर जो सखा होता है वो खाता है और झूठा होते 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 सबसे नीचे कृष्ण के पास में आता है। सब चीज तो कृष्ण अपने सखाओं के साथ बांट बांट के खाते हैं, लेकिन आज ये मिट्टी मिट्टी स्वयं अकेले ही खाने लग गए। ये मिट्टी का एक नाम है रसा। आप देखो जो भी सारी जो मिट्टी है ना, आम, आम का पेड़ कहाँ होता है, इसी मिट्टी में, है ना। केला सेब जितने फल देखोगे सारे रस इस पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं। इसलिए कृष्ण यहाँ बलदेव प्रभु और सखा मानो क्रोधित हैं कि कृष्ण तुमने आज इतनी अच्छी चीज का आस्वादन कर रहे हो, ब्रज रज का आस्वादन कर रहे हो, और वो भी अकेले, हमारे साथ तो तुमने बांटी नहीं। इसलिए क्रोधित होकर उन्होंने क्या किया, मैया से शिकायत कर दी। अभी मैया जब वहां पर दौड़ी दौड़ी आई है तो कृष्ण जैसे छोटे बच्चे कोई चोरी करते हैं और चोरी के बाद छिपाने की चेष्टा करते हैं ना, उसी प्रकार कृष्ण भी यहाँ पर माँ से झूठ बोल रहे हैं और छिपाने की चेष्टा कर रहे हैं। मुंह में तो मिट्टी है, मुंह में मिट्टी खा रखी है, लेकिन मुंह ऐसे मुंह इधर उधर करते करते कैसे न कैसे बस वो मिट्टी घटकना चाह रहे हैं अंदर, ताकि माँ को देख ना पाए, माँ मुझे डांटे नहीं। इसलिए जैसे ही मिट्टी किसी प्रकार अंदर घटकी, आंख ना मिलाते हुए माँ से और तुरंत झूठ बोल दिया। प्रभु स्वयं झूठ बोल देते हैं, ना हम बक्षितवानं सर्वे मिथ्या विशंशिना, यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्यमे मुखम। प्रभु कह रहे हैं ना हम बक्षितवानं, ओ मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले सखा कह रहे थे तूने मिट्टी खाई, और सखाओं की बात छोड़ दो, दाऊ भैया भी कह रहे थे कि तूने मिट्टी खाई है। बोले मैया मैं तुझे क्या बताऊं, आज ये सखा अपने घर से मालपुआ कचौड़ी सब मिठाई चोरी कर करके लाए थे, और तुझे तो पता है मैं कोई चोरी की वस्तु खाता नहीं। मैया यहाँ बोली, हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है तू क्या खाता है क्या नहीं खाता। बोले हाँ मैया मैं कोई चोरी की वस्तु खाता नहीं। अब इन्होंने सोचा कि कहीं मैं जाके शिकायत ना कर दूँ, इसलिए मेरे से पहले ये पहुँच गए और तेरे नाम मेरे नाम पर झूठी झूठी शिकायत कर दी तुझे, और तू तो भोली है, तू इनकी बातों में आ जाती है, इसलिए तू क्या कभी मेरे पर शासन करने के लिए आ गई। लेकिन कृष्ण इतने दावे के साथ में कह रहे हैं, बोले यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम, यदि नहीं मानती हो तो मेरा मुंह खोल के देख लो। कृष्ण इतना कॉन्फिडेंस के साथ में, इतना साहस के साथ में झूठ बोल रहे हैं कि मैया को मान ही लेगी, यदि विश्वास नहीं हो तो मुंह खोल लो। अरे भैया जब झूठ ऐसे इतना कॉन्फिडेंस से बोले तब तो भाई मान ही लेगा। मैया ने भी तब क्या किया, मैया ने भी कृष्ण को शासन करते हुए और पीछे धमक लगाई। जैसे ही कृष्ण को धमक लगाई है, कृष्ण का छोटा सा मुख जो था वो खुल गया, और उस छोटे से मुख के अंदर मैया ने अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का दर्शन किया। विश्व ब्रह्मांड कितने सारे ग्रह नक्षत्र तारामंडल वहां पर गिरजा नदी के अंदर जैसे गेंद की भांति पानी के अंदर जिस तरह से गेंद की खेलती है, उसी प्रकार अनंत अनंत विश्व करोड़ ब्रह्मांड मैया यशोदा ने कृष्ण के मुख के अंदर देख लिए। क्योंकि कृष्ण यहाँ पर विचार कर रहे हैं कि यदि मैया ने मेरे मुख में मिट्टी देखी, मिट्टी तो मैंने खाई है, यदि मिट्टी देख ली तब तो सारे डंडे पीठ पे पड़ेंगे। तो इसीलिए क्या किया, डंडों से मार से बचने के लिए अभी कृष्ण ने विश्व ब्रह्मांड दिखा दिया। लेकिन जैसे विश्व ब्रह्मांड दिखाया तब दूसरा चक्कर पड़ गया, क्या बोले अगर मैया ने देखा मेरे मुख में विश्व ब्रह्मांड है, मैया क्या सोचने लगी, बोले ऐसा तो नहीं कि मेरा भैया नारायण, मेरा लाला नारायण हो, मेरा लाला नारायण हो, क्योंकि भगवान के गर्भ में ही तो विश्व ब्रह्मांड होता है, साधारण व्यक्ति के मुख में तो ये सब दिखेगा नहीं।
तो अभी अगर मैया मुझे भगवान समझने लग गई तो क्या करेगी? मेरे लिए मंदिर बनवा देगी, वहां पे सुबह शाम दूध बताशे का भोग लगाया, दो बार घंटी हिलाई और बटबंद कर देगी। मैं जो सखाओं के साथ में इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं करता हूँ, इतना सब खेलता हूँ, घर घर माखन चोरी करता हूँ, मैं वो कैसे करूंगा? तो मार से बचने के लिए तो ब्रह्मांड दिखा दिया, लेकिन अभी फिर वापस ये नई समस्या को कैसे सुधारें? तब भगवान की इच्छा शक्ति, भगवान की इच्छा शक्ति योग माया, उन्होंने क्या किया? लीला वेशे प्रभुर नाही देह अनुसंधान, इच्छा जानी योग माया करे समाधान। भगवान की एक शक्ति है योग माया, उन्होंने क्या किया, जैसे ही प्रभु की इच्छा जानी कि वे मैया वे नहीं चाहते कि मैया मुझे भगवान माने, तुरंत उस दर्शन को हटा दिया। तुरंत वो विश्व ब्रह्मांड जो माँ देख रही थी कृष्ण के छोटे से मुख के अंदर, वो दर्शन हटा दिया। और फिर मैया देख रही है वही मेरा छोटा सा लाला, वही साफ मुख है, उसके अंदर तो कुछ भी नहीं। मैया यहाँ विचार करने लगी कि ये मैंने क्या देखा, कहीं ऐसा तो नहीं कृष्ण को कहीं हाई बलाई लग गई हो, कोई भूत पीछा, कोई भूत चुड़ैल इसके पीछे लग गई हो, ये मेरे मुख में, मैंने इस छोटे से मुख में क्या देखा। जब मैया ने ऐसा विचार किया, उसके बाद क्या करती है, कृष्ण को ले जाकर गौमूत्र से स्नान करवाती है, गोबर से स्नान करवाती है, गाय के पूंछ से झाड़ा दिलाती है, ताकि उनके ऊपर जो भूत प्रेत लगा हुआ है वो हट जाए। अभी देखो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि ब्रज का माधुर्य कैसा है, ब्रज का माधुर्य कैसा है। अर्जुन ने जब गीता के अंदर, हमने श्रवण किया है किस प्रकार रणभूमि में महाभारत कुरुक्षेत्र के अंदर अर्जुन ने जब ये विराट रूप देखा था कृष्ण का, उस समय पर क्या हुआ, वो भयभीत हो गए, डर गए, और डर के उन्होंने हाथ जोड़ के और प्रभु के चरणों में गिर गए। उनका जो सख्य भाव था, भगवान के सखा है यद्यपि एक ही साथ में खाते हैं, एक ही बिस्तर पर सोते हैं, लेकिन उनका जो सख्य भाव था वो शिथिल हो गया, वो नीचे गिर गए, चरणों में गिर के और प्रणाम कर रहे हैं, भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं। लेकिन मैया यशोदा ने जब यहाँ पर अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड देखा, उनको भय नहीं हुआ, उनको भय नहीं हुआ, उनको भय हुआ, क्या भय, कि कहीं मेरे लाला को कोई भूत बलाई तो नहीं लग गई, ये उनको भय हुआ, उनको ये भय नहीं हुआ कि मैंने क्या अजब चीज देखी। दूसरी बात, उनका वात्सल्य प्रेम, उनका प्रेम भी शिथिल नहीं हुआ, उनका प्रेम यद्यपि और बढ़ गया। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं वात्सल्य वर्धित, कि उनका प्रेम, उनका स्नेह और वर्धन को प्राप्त हुआ है, उनका प्रेम और बढ़ गया। और उन्होंने क्या किया, जिस प्रकार अर्जुन ने रणभूमि में भगवान कृष्ण की स्तुति करी थी, मैया यशोदा ने यहाँ कोई स्तुति नहीं करी, बल्कि कृष्ण को और उनका वात्सल्य बढ़ के उन्हें गौमूत्र गाय से स्नान करवाया है। तो यहाँ पर इसीलिए उदाहरण देते हैं कि ब्रज क्या है, ब्रज माधुर्य भूमि है, कृष्ण अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, लेकिन मालिक होते हुए भी क्या कर रहे हैं, ब्रजवासियों के साथ में सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, कभी सखाओं का झूठा खा लेते हैं, कभी मैया के वात्सल्य प्रेम के कारण उनका दुग्ध पान करते हैं। तो इस प्रकार सुंदर सुंदर लीलाएं कृष्ण ने करी है, हम आगे गुरुदेव जी से श्रवण करेंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, नाम संकीर्तन की जय। हाँ देखो अभी बैठ करके एक माला जप करेंगे, ठीक है, 5 मिनट ठाकुर का नाम जप करेंगे, फटाफट दो फटाफट, और एक व्यक्ति को ले दो, जिनको पास में माला नहीं वही लोग को माला लो, और मेरे को वापस दे देना, सब लेना नहीं घर में। देखो ये जो भगवान का नाम है, जिनके पास में नहीं मेरे साथ साथ में बोलो, आपको फल मिलेगा, ठीक है, आप मेरे साथ साथ बोलो, ये जो भगवान का नाम है, ये नाम को चिंतामणि बताया, चिंतामणि मतलब होता है जो कुछ मांगो ये हरिनाम तुम्हें वही दे देगा, इसलिए इसका नाम चिंतामणि। एक उदाहरण देकर समझा देंगे, देखो इधर सुना, ए मेरे तरफ में देखो सब, देखो ये नाम की कितने महिमा, एक उदाहरण देकर समझा है, जैसे आप रास्ता में चल रहे हो, आपके पास में खाली एक थाली है, हैं, चलते चलते देखा 505 नोट की गड्डी के गड्डी पड़ा हुआ, जिसका कोई मालिक नहीं, रास्ता में वैसे पड़ा हुआ, तुम्हारे हाथ में खाली थाली, आप बताओ क्या करो, अरे बोलो क्या करोगे, चुपचाप क्यों बैठ गए, बोलो क्या करोगे,
5 और 5 नोट की गड्डी के गड्डी पड़ा हुआ है, इसका कोई मालिक नहीं, तुम्हारे हाथ में खाली थाली है, क्या करोगे? बोलो जोर से, भरोगे? भर लोगे? बाबा जी तो बड़े चालाक हैं। हाँ देखो ये चीज अच्छे तरह समझना। लेकिन और जब थोड़ी दूर गई ना, देखा दो हजार गड्डी के गड्डी पड़ा हुआ जिसका कोई मालिक नहीं, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो थाली है वो थाली एकदम भरा हुआ है, फिर क्या करोगे? बोलो जोर से। ये माताएं जब चुपचाप बैठे कुछ बोल नहीं रहे, क्या करोगे? हाँ देखो, ये माता जी कहती है जो 500 रुपया की जो गड्डी की गड्डी है ना, उसको फेंक देंगे, खाली कर देंगे, और 2000 गड्डी की गड्डिया भर लेंगे, क्योंकि उसका कोई मालिक ही नहीं, वो रास्ता में पड़ा हुआ है। लेकिन जब और थोड़ी दूर आगे गए हो, देखा वहां पर हीरे जवाहरात पड़ा हुआ है जिसका कोई मालिक नहीं, फिर क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? 2000 रुपया गड्डी की गड्डी में फेंक दो, क्यों? बोलो अगर हीरे जवाहरात थोड़ा ले लिया तो माला ही माला हो जाएगा। हैं? देखो ये जो कथा मैं सुना रहा हूं ना, ध्यान देकर सुनो, माताएं जो पीछे गप्पे मार रहे हो, इसलिए ये हरिनाम हम क्यों करें, ये चीज को हम समझा रहे हैं। कोई बोलेगा ना, अरे माला फला करके क्या होता है, ये चीज को समझाने के लिए ये बात मैं बता रहा हूँ, अच्छे तरह से समझ लो, ये कथा की यही फल है। हैं? उसको भी फेंक देंगे, हीरे जवाहरात लोगे। लेकिन और जब थोड़ी दूर गए ना, वहां पर देखा पारसमणि नाम सुने हो, जो लोहे को स्पर्श करने पर लोहे भी सोना बन जाता है, जा करके देखा पारसमणि पड़ा हुआ, क्या करोगे? बोलो, सबको फेंकेंगे, क्यों? लोहे और कितना पैसा, लोहे लाओ उसको स्पर्श कराओ तो सोना ही बनेगा, हैं? फिर पारसमणि लगे। लेकिन और जो थोड़ी दूर गए ना, उससे भी कीमती चीज है जिसका नाम है स्यमंतकमणि। क्या नाम है? ये दशम स्कंध में कथा आती है, 17 जी हैं, 17 जी कहते, ये 17 जीत का मित्र था सूर्य देवता, ये सूर्य देवता ने ये 17 जीत को ये मणि दिया था, इससे हजार हजार किलो सोना अपनी आप जिससे अपने आप निकलेगा, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, हजार हजार किलो एकदम सोने की चट्टान जिससे अपने आप निकलता है, फिर क्या करोगे? फिर स्यमंत का मणि लेंगे, पारस पत्थर को फेंकेंगे। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए, देखा उससे भी कीमती चीज मिला जिसको नाम कहते चिंतामणि। चिंतामणि मतलब क्या? जो चिंता करो उससे जो मांगो ना वो वही देगा, इसलिए चिंतामणि। फिर क्या करोगे? सबको सब फेंकोगे, क्योंकि जो स्यमंत का मणि वो केवल सोना ही देगा, खाने पीने चीज की नहीं देगा। अगर आज बढ़िया बढ़िया खाने की इच्छा है, बढ़िया घर में रहने का इच्छा, वो नहीं देगा, वो सोना ही देगा, उसको सिवाय कुछ देगा नहीं, सोना थोड़ी खाओगे, सोना को थोड़ी पहनोगे। लेकिन चिंतामणि मतलब जो चिंता करोगे जो मांगोगे वही मिलेगा। बोले कहाँ से मिलेगा? बोले नाम चिंतामणि कृष्णा, इसलिए जो भगवान का नाम को बताया ये चिंतामणि, मतलब ये प्रभु का नाम करके जो मांगोगे ना ये नाम से वही मिलेगा, सब कुछ प्रभु का नाम से ही मिलेगा। इसलिए हनुमान का नाम जानते हो? जानते कि नहीं? आप बताओ दिन भर हनुमान जी क्या करते हैं? बोलो। हाँ प्रभु का रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता, दिन भर प्रभु का नाम ही जप करते हैं ना, प्रभु राम की सेवा करते हैं। लेकिन हनुमान से हम जो कुछ मांगते हैं हनुमान सब इच्छा पूरी कर देते कि नहीं? कर देते हैं ना। क्या हनुमान कोई फैक्ट्री लगाया जो कि जो मांगो वही दे देते हैं? उनके पास में सबसे बड़ा फैक्ट्री है ये भगवान का नाम, ये प्रभु का नाम जप करते इसकी बल पर सब कुछ देते हैं। हैं? शंकर जी कहाँ से देते हैं? शंकर जी से जो मांगो वही दे देते हैं। हम जाकर बोलते हैं ना हमें ये दो, शंकर क्या कहीं फैक्ट्री लगाया? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु की नाम की बल पर महामंत्र जयी जपत महिषा। शंकर जी 24 घंटा महाप्रभु का भगवान की नाम जप करते हैं, नाम की शक्ति पर सब कुछ देते हैं। अब माँ देवी को देखे हो आप लोग? माँ देवी की 8 हाथ देखना, एक हाथ में देखोगे माला है। मैया देवी भी क्या करती है? प्रभु की नाम जप करती है। अब सरस्वती को देखना, 4 हाथ में एक हाथ में माला देखोगे। ब्रह्मा का 4 हाथ देखोगे, एक हाथ में माला है।
ये जितने 33 करोड़ देवता हैं सब कैसे प्रभु की माला जप करते हैं। इसलिए एक भजन सुने होंगे, बोले राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, कृष्ण नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। माला जपी थी यशोदा माने, माला जपी थी यशोदा माने, गया मुरली वाला जपेगा कोई दिल वाला, माला जपी थी अंजना माने, माला जपी थी अंजना माने, फिर गया बजरंग बाजा जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला नहीं है, दिल वाला। दिल वाला मतलब क्या है? जिसका दिल मजबूत है ना वही भगवान के नाम जप कर सकता है, जिनका दिल कमजोर है ना वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। लेकिन जैसे मीरा दिल वाली, हनुमान जी दिल वाला है, ये तो साधारण लोग क्या समझेंगे, अरे अगर माला जप करेंगे लोग क्या बोलेंगे, बोले बाबा जी हो गया तुम, हैं तुम क्या बाबा जी हो गए हो क्या, तुम हैं भक्तानी बन गए हो, गलंग अगर कंठी तिलक लगाएगा तो बोले क्या तुम भक्तानी भक्त बन गए हो, हैं यही बोलेंगे। इसलिए वो शर्म नहीं करेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, लोग शराब पीने के लिए शर्म नहीं करते हैं, हैं प्रभु जी किस लिए आ रहे हो, क्या चक्कर है, वहां पर बैठो, वहीं पर बैठो, तो वहीं पर बैठो। इसलिए इसलिए लोग इसी के लिए शर्म नहीं करते, लेकिन भगवान की नाम जप करने के लिए ना लोगों को शर्म लगता है। इसलिए कहते राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जो दिल वाले जिनका दिल मजबूत है ना वही भगवान की नाम को ही जप कर सकते हैं। इसलिए देखो आपका दिल मजबूत है ना कमजोर है, जो मजबूत होगा वही तो प्रभु का नाम जप करेगा। इसलिए अभी सबको सब बैठ करके मेरे साथ में मैं बता रहा था ना, जो लखपति कौन बनेगा, करोड़पति कौन बनेगा, करोड़पति। यहाँ पर भगवान कहते कौन बनेगा लखपति, जब 1,00,000 हरिनाम करते हैं और सचमुच से वही लखपति। इसलिए आंख बंद कर लो, समझो अभी हम कहाँ पर है, अभी हम लोग इसी वृंदावन में श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के चरण में बैठे हैं। ये सोच करके सबके सब मेरे साथ में एक माला जप कर, देखो सबके सब माला जप करना, क्योंकि जो माला जप करेगा ना उसको पाप उड़ जाएगी। लेकिन उड़ करके कहाँ बैठेगा, जो हरिनाम नहीं करेगा, जो माला जप नहीं करेगा उसको ऊपर में सारे पाप जा करके उसके सर पर बैठ जाएगी। इसलिए सबके सब मेरे साथ में हरिनाम करो, बोलो बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, एक एक मत सरकेगा, ठीक है, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा Hare Rama.
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमती राधा रानी की जय। देखो आप लोगों ने तो एक एक माला किया है, आपको पता है कितने माला करने का फल मिला है? जो व्यक्ति चौथा करते हैं ना, उनको 1,00,000 माला करने का फल मिलता है, 1,00,000। यहाँ पर जितने लोग होंगे, आप लोग जोर जोर से बोले, सभी की गला की आवाज सबको कान में गया, माला पे एक किया लेकिन आपको करीब 64 माला करने का फल मिल गया, मतलब 1,00,000 माला आपने कर लिया। आज का आपका नाम पर ना ऊपर जो बैंक है
जो चित्रगुप्त ने 1,00,000 रुपया फीस कर ली, आप ऊपर जब जाओगे ना उसको ब्याज समेत आपको मिलेगा, ब्याज सब कुछ बाबा वापस दे दो, कोई लेना नहीं, पाप लगेगा। दो दिन बाद में जिनको इच्छा हुई थी हम माला जब करना चाहते हैं, कल अगर सवेरे 7-8 बजे खाली पेट में आओगे तो फिर मैं आपको माला दे दूंगा, आप माला लेकर भजन करना। और जिन लोगों ने पहले पहले माला लिए हैं, पहले पहले देखो ध्यान देकर सुनो, बड़े गुरु जी कहते थे जब गुरु जी से हम माला लेते हैं ना, वो माला नहीं ये बांके बिहारी आपके घर में आए, क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम है, ये प्रभु का नाम नहीं आए, साक्षात कृष्ण आपका घर में आ गए। इसलिए बड़े गुरु जी कहते थे रोज कुछ ना कुछ माला करनी चाहिए। एक दिन अगर ये माला जब नहीं किया ना, ठाकुर जी आप भूखे रह गए। एक दिन अगर हम स्नान नहीं करें, कपड़ा नहीं बदलाए, भोजन नहीं करें, अच्छा लगेगा आपको? इसलिए एक दिन अगर हम माला जब नहीं करते, मतलब आज सारा दिन भगवान भूखे रह गए, ठाकुर जी सारा दिन भोजन ही नहीं किया, ठीक है ना? माला को कभी भूखे नहीं रखना। और देखो मैंने किसी किसको माला दिया था, फिर गले में तुलसी कंठी भी दिया था, लेकिन कुछ लोगों को देखता हूँ गले में तुलसी कंठी भी नहीं। इसलिए बड़े गुरु जी कहते थे जब गुरु जी हमारी गले में तुलसी कंठी दे दिया ना, तुलसी कौन, साक्षात लक्ष्मी, ये तुलसी साक्षात बांके बिहारी राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण गले में आ गए। जब महाराज कभी भी आपको जमदूत नहीं लेगा, अगर दूर से देख लेगा गले में कंठी है ना, वो समझ जाएंगे ये ठाकुर जी के आदमी है। इसलिए जब महाराज कहते ना जमदूतों को, देखो जो भक्ति नहीं करते उनको मेरे पास मिले आना, बोले पता कैसे चलेगा कौन भक्ति करता नहीं करता? बोले दो तरह के कुत्ते होते हैं। कितने तरह के कुत्ते? एक पालतू और एक फालतू है। जो पालतू कुत्ते हैं, जो पालतू कुत्ते हैं देखना गले में पट्टा बंधा हुआ रहता है, देखने से पता चलता है घर की कुत्ता है, उसको देखना कोई कुछ मारता नहीं। लेकिन जो फालतू कुत्ते होते हैं ना, देखना पालतू को तो कोई मारता नहीं और फालतू को ही छोड़ता है। गले में कंठी मतलब आप किसके पालतू है? ठाकुर जी की पालतू। अगर गले में कंठी नहीं तो हम कौन हो गए? फालतू हो गए हैं। अब देखना रोड में अगर ज्यादा कुत्ते हो जाए ना, देखना रोड में अगर ज्यादा कुत्ते हो जाते हैं, सरकार तरफ से अर्डर आता है ये सब कुत्तों को मार दो, गोली मार दो, नहीं तो पकड़ करके ले आओ। बोले किसको गोली मारेंगे, किसको पकड़ कर ले जाएंगे? जो फालतू कुत्ते, पालतू कुत्ते के नहीं। अगर पालतू कुत्ते में गोली भी लग जाएगी ना, केस उसको नाम हो जाएगा। इसलिए फालतू नहीं बननी चाहिए, क्या बना? भगवान की पालतू बननी चाहिए। इसलिए गुरुदेव जब गले में कंठी लगा दे दिया, अगर किसी कारण से कंठी टूट गया तुम्हारी, तो दो बार उसको वो करके पहन लेना चाहिए। इसलिए गुरु जी कहते थे गले से कंठी अगर उतर गई किसी कारण से, पानी तक भी नहीं पीनी चाहिए, हैं? क्योंकि जो कुछ पीते हैं वो गला को स्पर्श करते हुए अंदर में जाता है, ये पवित्र होकर के जाती है। इसलिए अगर किसकी इच्छा हो कि हम भी माला जप करना चाहते हैं, कल अगर 7-8 बजे आओगे हम आपको माला देंगे, कैसे भक्ति भावना हम करोगे थोड़ा समझा करके देंगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी को ले आओ, जाओ आप भी सज करके आ जाओ, दोनों पति पत्नी बढ़िया से चुंदर छोड़ करके सब धज करके आ जाना सबके साथ। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा, चल के आ जा Jai 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 Jai
महाराज के घर में एक बेटा है सिद्धाम भैया। अभी वृषभ भानु महाराज सोच रहे हैं घर में एक लाली भी होनी चाहिए। कल सुन रहे थे ना, घर में कोई बेटी आए, दुनिया क्या कहता है घर में कौन आई है? लक्ष्मी आई। इसलिए बेटी को लक्ष्मी रूप में उनको सेवा करनी चाहिए। और सचमुच से देखना, जिनकी घर में जितने बेटी आएगी ना, पैसा भी ज्यादा आएगा। आप स्वयं देख लेना, जितने बेटी उतना लक्ष्मी आएगी अभी। लेकिन इनके मन में घर में एक बेटी जन्म हो जाए, घर में बेटा है। वृषभानु महाराज का नित्य नियम था, वो ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करने जाते थे। जब स्नान करने के लिए गए, देखा एक सतगल कमल फूल के ऊपर में किलकारी मारते हुए एक छोटी सी लाली पानी में बह कर आ रही। और वृषभानु महाराज पानी में उतरे और उन्होंने लाली को गोद में उठा लिया। बोले श्री राधा रानी की जय। जब गोद में उठा लिए, हरे कृष्ण प्रसाद पाठ ले जाना, 5-10 मिनट बस विश्राम हो जाए, प्रसाद लेकर जाना, इतना समय रहे, थोड़ी देर में जाओ। इसलिए अभी श्री राधा रानी की जोर से बोलो, श्रीमती राधा रानी की। अभी श्री नारद जी ने देखा कृष्ण तो गोकुल में आए, कृष्ण कभी अकेला नहीं आएंगे राधा रानी के पास। राधा रानी जरूर कहीं जन्म हुई होगी। और उन्हें भ्रमण करते करते जब रावल में आए ना, वृषभानु महाराज से पूछे, बोले भैया आपका घर में कोई संतान हुआ है? उन्होंने सिद्धाम को दिखाए, बोले कृष्ण का मित्र है। बोले कोई लड़की हुई है? तो चुप हो गए। बोले बताओ ना। बोले हाँ एक लड़की भी हुई है। बोले ले आओ। जब ले आए देखा श्रीमती राधा रानी। प्रभु जी सर में कोई टोपी पहन के आनी चाहिए, खाली सर में क्या है? कोई शादी का समय का? हाँ कोई टोपी पहन के क्या, नहीं तो बढ़िया पगड़ी बांध कर क्या। हरे कृष्णा। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। बोले श्री वृषभानु राज नंदिनी की जय। जय श्री राधे श्याम। इतने में बोले जरूर कहीं राधा रानी उनको देख करके पहचान गए, भाई इनको ही तो मैं ढूंढ रहा था। इतने में बोले कुछ इनका आशीर्वाद देने के लिए कुछ फूल ले आप। जब अंदर में गए, इतने में बन करके प्रकट होगी ललिता। कहती है बाबा क्या देख रहे हो, जल्दी राधा रानी को स्तुति करो, नहीं तो राधा रानी अंदर ध्यान हो जाएगी। फिर श्री नारद जी बोले मुनिन्द्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारी प्रसन्न वस्त्र पंकज निकुंज स्तुति करते करते राधा रानी बोली देखो फिर तुमको गिरिराज तलक में दो बार में दर्शन दूंगा है। इसलिए श्री वृषभानु महाराज श्री नंद बाबा को भी निमंत्रण दिया। नंद बाबा कृष्ण को लेकर के आए। राधा रानी जन्म से आंख बंद करके रखी। बोले सर्वप्रथम जब मैं आंख खोलूंगी मेरे प्रियतम कृष्ण को दर्शन करके फिर दुनिया को देखूंगी। मैया जशोदा ला करके राधा जी को पास में राधा रानी को पास में उन्होंने कृष्ण को लेटा दिया। इतने में कृष्ण ने क्या किया, अपना हाथ को श्री राधा रानी को ऊपर रख दिया। राधा रानी का हाथ स्पर्श होते ही कृष्ण का राधा रानी की चेतनता जग गई और सामने आंख खोल कर श्री कृष्ण को दर्शन करती है। फिर तब वृषभानु महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और धूमधाम से श्री राधा रानी की जन्म महोत्सव। प्रभु जी राधा रानी का बधाई आप। श्रीमती राधा रानी की राधा रानी जन्म ली ना। राधा रानी कौन? ये सर्वलक्ष्मी मई है। इनकी कृपा से ही घर में लक्ष्मी
कौन सा लक्ष्मी? भक्ति प्रेम लक्ष्मी आती है और जगत का लक्ष्मी भी इनकी कृपा से होती है। और इनके जन्म उत्सव में जो जितना नाचेगा ना घर में उतना ही लक्ष्मी आएगी। इसलिए एक बार सब खड़े हो जाओ। श्री राधा रानी की जय। प्रसाद भोग लगा दिया। Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 H